हेलो टू एवरीवन, मैं मानसी, मानसी लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और बोबो को लग गई है बहुत देर तेजी से भूख। गुस्सा होके बैठा है, इधर गुस्सा होके बैठा है, बोला जल्दी से कुछ खाने को दो। हम बोले हाँ बस देने वाले हैं, और एक्चुअली मैंने बोल दिया ना मैं स्पंज डोसा बना रही हूँ, उसको और तेज से भूख लग गई है। और कैसे हैं आप सब? आज मेरा आज यहाँ पे हो गया सबका ब्रेकफास्ट, बहुत जल्दी हो गया था। आजकल पता है क्या, मेरा सुबह बहुत जल्दी हो रहा है, 5:30 को 5 o'clock मैं उठ जाती हूँ, 5:30 को मैं बेड छोड़ देती हूँ, और मतलब अच्छी चल रही है। अच्छा चल रहा है, मैं 6 o'clock तक मैं अपने, वो देखो मेरा जूस दिख रहा है, बेटा मेरा जूस पकड़ाएगा। तो 6 o'clock तक मैं बेड छोड़ के मैं ऑन ड्यूटी हो जाती हूँ। तो क्या होता है कि मुझे दिन बहुत लंबा लगता है, बोला नहीं बेटा पानी है वो, बहुत दिन मेरे को मेरा लंबा लगता है और बहुत 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 ही अच्छा लगता है अपना सुबह सुबह जल्दी स्टार्ट करके। वैसे मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं मॉर्निंग पर्सन बनना चाह रही हूँ आजकल। और आज पता है मैं बनाने वाली हूँ एक स्पेशल स्पंज डोसा, जो हम सबका बहुत फेवरेट है, बोबो का तो स्पेशल फेवरेट है, इसलिए वो परेशान है। हाँ, जो बाहर में मिलता है ना स्पंज डोसा, बोबो को वही वाला डोसा खाना है। तो मैंने बोला ठीक है आज बनेगा, मैंने सुबह प्लान किया, और मेरा आज लंच में बहुत स्पेशल लंच होने वाला है। हाँ, हम लोग कैलकटा में जैसा कोलकाता में अभिमान बोबो जैसा डोसा खाता था, सेम वही डोसा मैं बनाने वाली हूँ। और कैसा है कि मैं लंच में आज मैं बहुत ही स्पेशल लंच बनाने वाली हूँ। मैं लंच में बनाऊंगी आज, क्या बनेगा अभिमान बेटा? डोसा। लंच में बनने वाला है फिश करी और इसके साथ राइस। अच्छा तुम जल्दी आओ, इधर आए करो। डोसा भी बनेगा 10:30 बजे, जल्दी हो। एक्चुअली सबने फ्रूट्स ऑमलेट वगैरह सब खा चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा खाया है बोबो, सबसे ज्यादा खाया है। ये देखो बोबो क्या कर रहा है, सुबह से पिचकारी के पीछे पड़ा हुआ है, ये कहाँ से निकाल लिया है नहीं पता मेरे को भी। बोबो भी फ्रेश हो गया, बोबो भी नहा लिया है, बोबो भी सब कुछ, मैं यहाँ इवन सबका सब कुछ हो चुका है, बस सब वेट कर रहे हैं कब डोसा। तो मैंने सोचा मैं अब बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी जरूर शेयर करूंगी, बहुत इजी है। आप लंच में बनाओ, डिनर में बनाओ, कभी भी बनाओ, बस चटनी बनाऊंगी मैं, सांभर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे सिट्टी नहीं मिला, जिसको हम ड्रम स्टिक बोलते हैं, तो वो मिला नहीं मुझे, तो मैंने सांभर नहीं बनाया। तो चलिए मैं फटाफट प्रिपरेशन मैंने कर लिया है, डोसा भी बनेगा, बहुत खुश है मैं डोसा के लिए। मैंने प्रिपरेशन कर लिया है, तो चलिए मैं फटाफट बनाती हूँ और देती हूँ, खाती हूँ, चलिए फिर मैं आप स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अपने किचन में आ गए, मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या बनाऊंगी। ये डोसा है, डोसा नहीं है, ये सूजी का मैंने खीर फुलाया था, दही में मैंने सुबह ही फुलाया था, इसको 2-3 घंटे फुलाना पड़ता है। ये देखिए फूल गया अच्छे से, इसका मैं बनाऊंगी सूजी और दही, नमक बस इतना डालना। और इधर मैंने किया है, ये है मेरा, ये है कढ़ी पत्ता, मिर्ची, ये नारियल का मैं बनाऊंगी चटनी, कढ़ी पत्ता, नारियल, मिर्ची और कढ़ी पत्ता। और ये फिश जो मैंने धो के रखा हुआ है, इसको अब मैगनेट करूंगी थोड़ी देर में, फिश है 1 kg फिश है। तो सबसे पहले जार लेते हैं, चटनी की तैयारी करते हैं हम लोग। चलिए पहले मैं अपना कैमरा स्टैंड में लगा देती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करके और इसमें डाला मैंने ये कड़ी पत्ता और 3 मिर्ची डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी पानी डाल के, उसके बाद मैं इसका छौंका मारूंगी। इसमें मैं लगाऊंगी मैं छौंका,
मेरा चटनी पिस गया है, मैं इसके छोके की तैयारी कर रही हूँ। मैंने लिया काला सरसों और रेड चिली। एक्चुअली मैं आज लंच में यही बनाने वाली थी, लेकिन फिश सडन आ गया, तो अब सबका हो गया कि नहीं फिश खाएंगे। मैंने बोला जब इसका प्लान हुआ है तो ये बना ही देती हूँ मैं। ऊपर से क्या करूंगी मैं, इसमें थोड़ा सा घी डाल दूंगी, थोड़ा सा। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है घी का। ये बनेगा तब तक मैं इसको दे आती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से बन रहा है ना स्पंज। ये एक एक करके बनेगा, थोड़ा मोटा बनता है ये, थोड़ा सा मोटा बनता है ये। यहाँ पे लगी है सबको जोरों से डोसे की भूख। मैं फटाफट दे देती हूँ सबको खाने के लिए। बनाना बहुत इजी है, ये बहुत इजीली बन जाता है और बेस्ट होता है। बच्चों को बहुत पसंद आता है, मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है, और वो रोज पूरी पराठा कितना खाएंगे। तो ऐसे हम चेंज करते रहते हैं तो बच्चे फिर पसंद से खाते हैं। मेरा बेटा तो खा लिया, अब सबका बन रहा है एक एक करके। ये करने के बाद मैं करूंगी फिश मैरिनेट, उसके बाद फिर मैं फिश की तैयारी करूंगी। मैं यहाँ बना रही हूँ फिश। एक्चुअली आज मेरा मैं स्पंज डोसा खाने के बाद मैं सोने चली गई। मैं सब सो गए, हम लोग बहुत थक गए थे, सब सो गए। मैं उठी और 2 बज गए थे, मुझे काफ़ी लेट हो गया। तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपना ये फिश बनाना। दाल मैंने एक तरफ बना दिया, अब मैं बनाऊंगी एक तरफ राइस और एक सब्जी बनाऊंगी। देखते हैं, फिश की रेसिपी मुझे आप लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फिश का रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ मैं आप लोग से। मैं कुछ डिफरेंट नहीं बना रही, मैं बनाने वाली थी हम तो मुझे फिश की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि मैं सोची थी मैं थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगी, लेकिन इतना लेट हो गया है कि मैं आप सेम वही बनाने वाली हूँ जो नॉर्मल हमेशा बनाती हूँ। बनाते हैं मेरा फिश। वो भी सो गया, सब सो गया थे, हम सब लोग सो गए थे। तो अभी देखती हूँ, वो डोसा चाहिए उसको, मैं उसको डोसा दे देती हूँ। डोसा जो स्पंज डोसा इसको बोल रहा है, वो खाएगा थोड़ा। एक्चुअली वो इतना सुबह उठा ना कि वो खाते खाते तो सो गया। फिश बन गया है मेरा, यहाँ पे राइस फोकस हो रहा है, पर वो भी हो जाएगा। बहुत लेट हो गया मेरा, बहुत लेट हो गया सोने के चक्कर में। फिश का मैं आपको ग्रेवी दिखाती हूँ, बहुत लाइट बनाया मैंने आज। ये देखिए फिश की ग्रेवी, क्योंकि सुबह में खुद थोड़ा सा हैवी हो गया था स्पंज होता, इसलिए फिर मैंने बहुत लाइट ही बनाया। राइस भी डन, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा खीरा काट लेती हूँ सैलेड के लिए, ये मेरा हो जाएगा। फिश भी बन, फिश भी हो गया। मैं वेट करती हूँ प्रेशर निकलने का, जैसे ही प्रेशर निकलेगा मैं खाना दे दूंगी। मेरे बाल देख रहे हैं आप लोग कैसे उलझ गए हैं। मैं सो के ना फॉर्म भी नहीं किया, मैंने फटाक से मैं किचन में आई, मुझे लगा बाबा आज तो मैं गई काम से। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जो प्लान करती हूँ कभी नहीं होता है। मैं पानी पी लेती हूँ, बाबा पानी भी नहीं पिया अभी तक। मुझे आदत है ना, मैं थोड़ा मीठा खा के ही पानी पीती हूँ, तो अब मैं किशमिश लूंगी।
एग्जॉस्ट चल रहा था, तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ किचन के बाहर, मैं बैठती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। बन गया है मेरा फिश वगैरह, सब कुछ हो गया है, बस मैं जाऊंगी और सबको खाना निकाल के दूंगी। जब तक प्रेशर निकल जाए, मेरे तो पसीने निकल गए। मैं अभी थोड़ा सा मैंने बाल वगैरह ठीक किया और मेरी तो हालत ही खराब हो गई। सब मेरे घर में सब सो गए थे, सब सो गए और लेट भी हो गया। मम्मी खाना वाना खा ली है, सब कुछ हो चुका है, अब फिर देखते हैं अब क्या क्या होता है। अब सुबह से उठे कि सब कुछ टाइमली होगा और कुछ टाइमली नहीं हो पाया आज। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा ना, हम लोग सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। दीदी भी आई थी काम करने, उसको भी भेज दिया मैंने, बोला अभी खाना ही नहीं खाया है तो आप काम क्या करोगे, आप थोड़े लेट से आओ। तो बोली ठीक है मैं लेट से आती हूँ। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ खाना खा के। मैं एक बार आपको फिश करी अपना फिर से दिखा देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। देखिए फिश करी बहुत अच्छे से ऑयल वगैरह हो गया है, मैंने बहुत कम मसाले डाल के बनाया आज मेरा फिश करी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे। तो अभी शाम हो गई है और मैं चाय लेके बैठी हूँ, उस समय मेरे से मैं एंड नहीं कर पाई अपना ब्लॉग, अभी मैं करती हूँ। आप देख, चाय तो नहीं है, ग्रीन टी है, मैं बैठ के पी रही हूँ, अच्छा लग रहा है। मैं शाम फ्रेश हो गई हूँ, मैं एज यूजल आप जानते हैं मुझे शाम में फ्रेश होना, मतलब वो तो मेरा मतलब हैबिट है, बहुत बहुत ज़्यादा मैं एवरीडे मतलब फिक्स है मेरे को कि मैं फ्रेश होती ही होती हूँ। हो गया, ग्रीन टी पीऊँगी आज। खाने में मुझे कुछ भी नहीं बनाना, मैं स्नैक्स में आज कुछ भी नहीं बनाऊँगी, इवन मैंने ग्रीन टी भी नहीं बनाया, ग्रीन टी भी मुझे मिला है आज, मुझे अच्छा लग रहा है तो यही पीऊँगी। और फिर बोबो का कुछ देखती हूँ, कुछ रिटर्न वगैरह करवाऊँगी और उसके बाद सो जाएंगे। और आजकल तो मेरा हो गया अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो मैं जल्दी 10 बजे तक बेड पे आ जाती हूँ, फिक्स है, पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। और सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, 5:30 बजे तक बेड छोड़ देती हूँ। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बोबो बोबो इधर आ बेटा, बोबो इधर आ, बोबो आज सुबह से क्या बन के घूम रहा है, मैं क्या बोलूं, इधर आ, देखो बोबो आजकल क्या कर रहा है, देखो ये क्या है, ये देखो कैप, ये बाल, पिचकारी, ये कहाँ से मिल गया सुबह से, ये सबको गीला किया। मम्मा कलकत्ता में खरीदा था ये, जब भी उनको पहचान करेगा ना हम ऐसे लाएंगे ऐसे। ओह देख रहे हैं, दिन भर यही होता है मेरे घर में, दिन भर आज तो सुबह से यही हो रहा है, पूरा घर गीला करके रखा है आज ये। चलो बाय बोलो, चलो सबको बाय बोलो, बाय बाय बाय। लो बेटा कैमरे पे नहीं, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे आपके फर्दर मेरे जो भी वीडियोस आएंगे उसको आपको मेरे को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए फटाफट से, लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं, बाय 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 बाय।